बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान खान मैथ्स में एडीजी के साथ हाज़िर है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेडिकल इक्वेशंस और एक्सट्रीनियस रूट को समझना है। रेडिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें आपके पास एक एक्सप्रेशन एटलीस्ट ऐसा हो जिसमें रेडिकल साइन हो, तो उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो जो उसकी डिफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन की, वो ये है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। यानी एक ऐसा इक्वेशन, यानी फ़र्ज़ करिए मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, इसमें अगर आपके पास एटलीस्ट एक एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट साइन में आ जाए तो फिर इस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। दो भी हो सकते हैं, यानी एक एक्सप्रेशन x माइनस 2 अंडर द रूट में और x प्लस 2 अंडर द रूट, और ये आगे फिर कोई एक नंबर है। तो इसमें चूँकि दो एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट साइन है, फिर भी ये रेडिकल इक्वेशन कहलाता है। तो एटलीस्ट वन एक्सप्रेशन रेडिकल साइन में हो तो उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो मैंने चंद यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये रेडिकल इक्वेशंस की मिसालें हैं। इसके अलावा आपको एक्सट्रीनियस रूट समझना है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा रूट आ जाए जिसको आप गिवन इक्वेशन में पुट करें और वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, तो वो एक्सट्रीनियस रूट कहलाता है। सो अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रीनियस रूट। यानी आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करते हो, उसके आपके पास एक या दो रूट्स, जितने भी रूट्स आ जाते हैं, उन गिवन रूट्स को आप गिवन इक्वेशन में जो इब्तदा में आपको गिवन था उसमें पुट करें। अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये रूट्स रियल होंगे, अदरवाइज फिर वो एक्सट्रीनियस रूट होंगे। तो एक्सट्रीनियस रूट अभी आगे एक्सरसाइज में जब मैं क्वेश्चंस करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 से कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है ये इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स प्लस बी अंडर द रूट इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यानी आपके पास एक एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर रूट साइन में है और आपके पास राइट लेफ्ट हैंड साइड भी कोई कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और इसमें वेरिएबल भी है। ठीक है, तो ये फॉर्म और ये फॉर्म जो है ये सेम है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ द इक्वेशन है ये। तो इसके सोल्यूशन में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने दोनों साइड्स का स्क्वायर लेना है ताकि मैं स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकूँ। I will have to solve this question for x. So squaring both sides. So 2x plus 5 का भी स्क्वायर आ जाएगा और 7x plus 16 अंडर द रूट जो है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होंगे और ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जब मैं ओपन करूँगा तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a विच इज़ 2x और इंटू बी 5। यानी यहाँ पे a आपके पास 2x है और b आपके पास 5 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे 7x प्लस 16 रहता है। अब 2x का स्क्वायर ले तो 2 टू द 4x स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25 और प्लस 2 टू द 4 4 5 ज़ा 20x इज इक्वल टू 7x प्लस 16। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 20x इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें और प्लस 7x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस 7x प्लस 25 और प्लस 16 लेफ्ट साइड पे आके माइनस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो 4x स्क्वायर प्लस 20 से 7 को माइनस करें तो 13x और प्लस 25 से 16 माइनस करें तो 9 आता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 9 4 द 36, 36x स्क्वायर, दो नंबर मल्टीप्लाई कर जिससे 36x स्क्वायर आ जाए और उसके एडिशन से 13x आ जाए तो 9 4 द 36। तो 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 9 प्लस 4 से 13 आते हैं और 9 4 36 और 9 4 36। अब इन दोनों में कॉमन, तो इसमें सिर्फ x कॉमन है, तो जब x कॉमन लेंगे यहाँ पे तो 4x प्लस सिर्फ x कॉमन लिया है तो 9 है यहाँ पे प्लस, और इन दोनों में 1 कॉमन है तो क्योंकि 4 और 9 में सिर्फ 1 कॉमन है तो 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 क्योंकि 4x 1 ज़ा 4x प्लस 9 1 ज़ा 9। इन दोनों में 4x प्लस 9 को कॉमन लेते हैं तो 4x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x प्लस 1 रहता है इक्वल्स टू 0। अच्छा, इन दोनों के प्रोडक्ट से 0 आ रहा है, इधर 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इधर 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 4x इज इक्वल टू माइनस 9 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे इसको शिफ्ट करें और दोनों साइड को आप 4 पे डिवाइड करें। सो x इज इक्वल टू माइनस 9/4 और x इज इक्वल टू प्लस 1 को राइट साइड से शिफ्ट करें, लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करें तो माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, एक एक्स इज इक्वल टू -9/4 और एक एक्स इज इक्वल टू -1। अब चेक करते हैं कि आया ये दोनों इसके सोल्यूशन सेट्स में से है या नहीं। तो इसकी वेरिफिकेशन या चेक यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन या चेक में से किसी एक से आप इसको साबित करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करें। इक्वेशन 1 कौन सा है, ये जो हमें इब्तिदा में गिवन क्वेश्चन था, ये फर्ज करें हमारा इक्वेशन 1 है। अच्छा, सो x की जगह -9/4 इसमें पुट करें, तो 2x की जगह आ जाएगा -9/4 + 5 इक्वल्स टू, अंडर द रूट में है हमारे पास 7x, x की जगह -9/4 और +16, ठीक है। अच्छा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, -9/2 + 5 equals to प्लस और माइनस माइनस, 9 7s are 63/4 और आगे है +16 होल अंडर द रूट। इसके नीचे 1 है, 5 के नीचे, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 मस्ट होता है। तो 2 और 1 का एलसीएम जब मैं लेता हूँ तो वो 2 आता है। 2 1s are 2, 1 को -9 से मल्टीप्लाई करें -9 प्लस 1 2s are 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर 2 5s are 10 और राइट साइड पे 16 के नीचे भी 1 है तो इसका एलसीएम 4 आएगा, क्योंकि 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 4 1s are 4, 63 1s are 63, लेकिन इसके साथ ये माइनस साइन भी है और प्लस 1 4s are 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर 16 4s are 64 होल अंडर द रूट। 10 से 9 माइनस करें 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 64 से 63 माइनस करें 1 डिवाइडेड बाई 4 अंडर द रूट। और 1/2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 2s are 4 चूँकि बराबर है, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। अब अगर ये सेटिस्फाई ना होता तो फिर इसको मैं एक्सट्रीनियस रूट कहता, चूँकि ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो ये एक्सट्रीनियस रूट नहीं है, दे आर रियल रूट्स, ओके। अब जो x इज इक्वल टू -1 है इसको भी पुट कर, दैट इज पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू -1 को इस इक्वेशन में पुट करें, 2x + 5, 2x की जगह -1 + 5 इक्वल्स टू अंडर द रूट 7x, x की जगह -1 और आगे है +16। 2 1s are 2 प्लस और माइनस माइनस +5 इक्वल्स टू 7 1s are 7 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है और +16 ये अंडर द रूट में है। 5 से 2 माइनस करें 3 और 16 से 7 माइनस करें 9 अंडर द रूट और 3 इक्वल टू 3 3s are 9, ये भी ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, सो दोनों रूट जो है वो रियल है, एक्सट्रीनियस नहीं है। Therefore, solution set of the given question is -9/4 and -1। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, 4x = 13x + 14 अंडर द रूट -3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x - 3 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हो ये +3 हो जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास 13x + 14 अंडर द रूट आएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर ले, यानी 4x + 3 का भी होल स्क्वायर और 13x + 14 होल अंडर द रूट का भी स्क्वायर ले। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो a² + b² + 2 into a विच इज़ 4x into b विच इज़ 3 एंड राइट साइड पे हमारे पास 13x + 14 आएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो चुके हैं। 4 4s are 16x² + 3 3s are 9 + 2 4s are 8 8 3s are 24x = 13x + 14, ओके। अच्छा, तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे 16x² + 24x, जब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा ये इधर आके -13x हो जाएगा और ये +9 और +14 लेफ्ट साइड पे -14 हो जाएगा। जब इसको मैं शिफ्ट करूंगा राइट साइड पे 0 रहता है, क्योंकि मैंने तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किए हैं ना। 16x² 24x से 13x को माइनस करें तो +11x आता है और 9 से 14 को माइनस करें तो -5 आता है इक्वल्स टू 0, ओके। 16 5s are 40 और 16 5s are 40, 16 को प्लस लेंगे 5 को माइनस लेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट सम मेथड से होगा। 16x² + 16x - 5x minus 5 equals to 0. 16 से 5 माइनस कर 11, 16 5 ज़ा 80 और 16 5 ज़ा 80. इन दोनों में 16x कॉमन है, 16x को कॉमन करें, एक x रहता है यहाँ पे और प्लस 16x पूरा का पूरा मैंने कॉमन लिया है, सो 16x 1 ज़ा 16x. और इसमें माइनस 5 को कॉमन करें तो x माइनस और माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से x प्लस 1 टर्म जो है ये कॉमन है, इसको कॉमन करें तो यहाँ पे 16x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. दोनों के प्रोडक्ट से 0 आ रहा है. इट मीन्स के इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 16x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल टू प्लस 1, राइट साइड से राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे इसको तो माइनस 1 हो जाएगा और ये 16x इज इक्वल टू प्लस 5 राइट साइड पे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 16. सो 16 विल कैंसिल विद 16, सो x इज इक्वल टू 5 और 16. हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 5 बाई 16. अब चेक करते हैं कि ये रियल रूट्स है या एक्सट्रीनियस है. तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चेक करना होगा x इज इक्वल टू माइनस 1 को और फिर x इज इक्वल टू 5 बाई 16 को. सो यहाँ पे मैं चेक लिखता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं माइनस 1 को चेक करूँगा, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1. इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करें, 4x की जगह आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर द रूट 13x, x की जगह माइनस 1 प्लस 14 और स्क्वायर रूट के बाहर है माइनस 3. 4 1 ज़ा 4 प्लस और माइनस माइनस, 13 1 ज़ा 13 माइनस प्लस 14 ये अंडर द रूट में है और माइनस 3. सो माइनस 4 इज इक्वल टू 14 से 13 माइनस करें 1 आता है अंडर द रूट माइनस 3. ठीक है, माइनस 4 अंडर द रूट इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 1 माइनस 3. सो माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 जो कि इम्पॉसिबल है. ठीक है, सो नॉट ट्रू. तो हमारे पास जो x इज इक्वल टू माइनस 1 है ये अब एक्सट्रीनियस रूट होगा, एक्सट्रीनियस रूट. क्यों एक्सट्रीनियस रूट है? क्योंकि ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. अब जो सेकंड है, सेकंड रूट है 5 और 16. सो पुट x इज इक्वल टू 5 बाई 16 इन इक्वेशन 1. अब 5 बाई 16 को इक्वेशन 1 में पुट करें. सो 4x की जगह आ जाएगा 5 बाई 16 इक्वल्स टू अंडर द रूट में हमारे पास है 13x, तो x की जगह आएगा 5 बाई 16 और प्लस 14 ये अंडर रूट में है और आगे पर है माइनस 3. ठीक है, अच्छा 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 तो 5 बाई 4 इज़ इक्वल टू यहाँ पे 13 5 ज़ा 65 ओवर 16. इसमें कैंसिलेशन नहीं होती. ठीक है, अंडर द रूट और आगे है प्लस 14 और स्क्वायर रूट से बाहर है माइनस 3. 14 के नीचे 1 मौजूद है. सो 5 बाई 4 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 16 आएगा. 16 1 ज़ा 16 65 1 ज़ा 65 प्लस 1 16 ज़ा 16 16 14 ज़ा 2 24. ठीक है, अंडर द रूट और माइनस 3. सो 5 बाई 4 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें 5 और 4 9 2 और 6 8 और इसके साथ 2 है डिवाइडेड बाई 16 अंडर द रूट और आगे है माइनस 3. सो 5 बाई 4 इज इक्वल टू 17 17 ज़ा 289 और 4 4 ज़ा 16. तो ये 17 बाई 4 का होल स्क्वायर जब मैं लेता हूँ तो उसका रूट के साथ कैंसिल होगा तो 17 बाई 4 आएगा, क्योंकि 17 17 ज़ा 289 तो 17 कॉमन आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 तो 4 कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और फिर ये है माइनस 3. इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेते हैं तो ये 5 बाई 4 है और 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा. 4 1 ज़ा 4 17 1 ज़ा 17 1 4 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12. सो 5 बाई 4 इज इक्वल टू 17 से 12 माइनस करें 5 डिवाइडेड बाई 4. ये ट्रू है, 5 बाई 4 और 5 बाई 4 बराबर है. सो दिस वन इज़ ट्रू. इट मीन्स के x इज इक्वल टू 5 बाई 6 इसका सोल्यूशन सेट है और ये x इज इक्वल टू माइनस 1 जो है एक्सट्रीनियस रूट है. सो देयर फॉर सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ओनली 5 बाई 16. 5 बाई 16 और यहाँ पे आपने बता दिया कि x इज इक्वल टू माइनस 1 जो है ये एक्सट्रीनियस रूट है. तो इसके साथ जो टाइप 1 के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं. टाइप 2 के जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.